ठीक, तो टॉपिक का नाम है थ्रस्ट ऑन पुली। थ्रस्ट का मतलब होता है देखो फोर्स, जो थ्रस्ट है इसका मतलब क्या होता है फोर्स। तो फोर्स ऑन पुली से मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास ये एक पुली है सच दैट यहाँ पे ये यहाँ से सीलिंग है, ये रहा, यहाँ पर एक स्प्रिंग है ये रही ऐसे। तो मान लो ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक मास है m2, यहाँ पर मास क्या है m1, यहाँ पर जो टेंशन की वैल्यू है, यहाँ पर जो टेंशन की वैल्यू है वो t एंड t, ये रहा t एंड t, तो टेंशन t, टेंशन t। उसी तरीके से यहाँ पर भी टेंशन की वैल्यू क्या है t और टेंशन की वैल्यू क्या है यहाँ पर t, ऐसे ऐसे किया। और हमने अभी भी डिस्कस किया था सेम केस कि अगर मान लो m2 बड़ा है तो m2 नीचे आ रहा है, m1 ऊपर जा रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सपोज ये a के साथ नीचे, a के साथ ऊपर, तो ये कितना है m1g, ये कितना है m2g, ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें बेसिकली क्या करना है कि अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो लास्ट टाइम करवाया भी था, m2g माइनस t इज इक्वल टू m2 इनटू a, फर्स्ट इक्वेशन, और क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इनटू a, सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इनटू g। क्या ये स्टेप क्लियर है? या ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एक ही बात है। तो आप ये फॉर्मूला, मैंने कहा था याद कर लें, फॉर्मूला नोटबुक के अंदर भी हमने याद किया था, लेकिन इसको याद भी नहीं करना, ये वैसे ही हो जाएगा। कैसे? इन में से भारी वेट कौन सा है m2g, हल्का वेट कौन सा है m1g, वेट क्या होता है फोर्स है, तो बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस कर दो। बड़ी फोर्स क्या है m2g, छोटी फोर्स क्या है m1g, नेट फोर्स क्या है m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास क्या है m1 प्लस m2। तो ये ज्यादा ठीक है मेथड कि बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस करो और डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? और अगर आप इस a को कहीं पर भी ऊपर इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास टेंशन आएगी 2 m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई, आपके पास a की वैल्यू भी आ गई। कोई डाउट? मेथड समझ में आ रहा है? अब अगला क्वेश्चन जो है वो है थ्रस्ट ऑन पुली। देखो थ्रस्ट क्या होता है, जो पुली होती है ना, पुली के यहां पे ये देख रहे हो, ये स्ट्रिंग ऊपर वाली आपने हाथ से पकड़ रखी है पुली, इमेजिन करो, तो यहां मास नीचे ऊपर जा रहे हैं, आपके हाथ पे पकड़ी हुई रस्सी में जोर पड़ेगा, तो इसका मतलब इसमें क्या आ गई, टेंशन। टेंशन का मतलब क्या होता है, फोर्स। तो इस रस्सी में, इस ऊपर वाली सिंगल रस्सी में जो भी फोर्स है उसको थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक। तो मुझे क्या निकालना है, टेंशन ऊपर वाली रस्सी में, तो ऊपर वाली रस्सी में टेंशन का मतलब थ्रस्ट ऑन दी पुली। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो लेट अस सपोज यहां पे टेंशन अगेन इक्वल एंड ऑपोजिट ही होगी, वो क्यों, क्योंकि जो पुली है, जो पुली है वो सीलिंग को खींचने की कोशिश कर रही है। आप कहोगे छत को कैसे खींच लेगी, खींच सकती है, एक काम करो छत थर्मोकोल की लगा दो, लगाओ पुली, देखो थर्मोकोल टूट के हाथ में आ जाएगा। इसका मतलब पुली सिस्टम ने, ये जो पुली है उसने इस पूरे, इस जो सीलिंग है इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई, राइट, फोर्स लगाई। तो बदले में ऊपर वाली सीलिंग ने भी पुली के ऊपर क्या लगाई, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाई। क्या ये पॉइंट क्लियर? अब ये फोर्स टी नहीं होगी, क्योंकि टी तो नीचे की फोर्स है, यहां एक नई फोर्स होगी, लेट अस सपोज ये फोर्स का नाम है टी1, कुछ भी टी1, टी1। तो मान लेते हैं, मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देता हूं इसका, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंदर हम एक काम करते हैं, इसके अंदर ये थोड़ी फिगर बड़ी बनानी पड़ेगी। तो ये एक पुली, और इस पुली में ये आपके पास एक स्ट्रिंग, ये आपके पास दूसरी स्ट्रिंग जो भी हमने डिस्कस किया, और ये दो मासेस, एक मास m2, एक मास m1, और मैंने बताया कि यहाँ पर टेंशन क्या है t, और यहाँ पर टेंशन क्या है t, यहाँ पर टेंशन t, यहाँ पर टेंशन t, ऐसे बना दिया। तो मैंने क्या कहा कि टेंशन की वैल्यू, अभी शॉर्टकट किया था, 2 m1 m2 g
बाई एम वन प्लस एम टू, ऐसे किया। तो मैं ये कह रहा था कि यहां पर इस पोर्शन में ये जो रस्सी है, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, ये पूरा सिस्टम नीचे खींचेगा इस रस्सी को, और बदले में ये सीलिंग इसके ऊपर क्या लगाएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। मान लो इसका नाम है टी वन एंड टी वन, जो कि ऑब्वियसली इस रस्सी की टेंशन का, इस रस्सी की टेंशन से कोई लेना देना है ही नहीं। तो मान लो टी वन है, ठीक। हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखा, हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी देखा अभी। अब मैं काम करूंगा, अब मैं इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। देखो पुली है ये अलग से, और इसके फ्री बॉडी डायग्राम में, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ये दो रस्सियां आएंगी, एक ये, क्योंकि पुली के इधर भी रस्सी है दोनों तरफ से, और एक स्ट्रिंग ऐसे आएगी। ये इसका पुली का क्या बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि ऊपर भी रस्सी है और इधर भी रस्सी है, घूम के आ रही है, राइट। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या सिखाया था, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब था कि इमीडिएटली नीचे और ऊपर की फोर्सेस को ड्रॉ करना, लेफ्ट और राइट की फोर्सेस को ड्रॉ करना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो जैसे इसके इमीडिएटली नीचे फोर्स क्या थी, M1g और T, इसके इमीडिएटली M2g और T। तो ये आप अगर देखो तो इसमें ये जो ये इसकी इमीडिएट फोर्सेज हैं, ये इसकी इमीडिएट फोर्सेज हैं, बात खत्म। आपको कहे ये देखो, ये इसकी बाउंड्री में आता है, ये टेंशन इसकी बाउंड्री में, तो ये टेंशन ये लेके जाएगा। तो यहां पे ऐसा करें, ये देखो टी एन टी, क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, ये टी एन टी इसको मिल गया, और इधर से एक टी वन इसे मिल गया, टी वन। आपको कहे सर ये वाला टी वन, देखो ये टी वन जो है वो सीलिंग की बाउंड्री में आता है, उसको दे दिया आपने, इमीडिएटली फोर्स निकालनी है क्या होगी, और इमीडिएटली पुली के नीचे दो फोर्सेज हैं टी एन टी और ऊपर एक फोर्स है टी वन, क्या ये डायग्राम क्लियर है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, कोई डाउट इसमें। पुली खड़ी खड़ी घूम रही है ना, तो पुली देखो पुली फिक्स है, पुली को यहां से ना बांध के रखा हुआ है, फिक्स है, घूम सकती है, रोटेशनल मोशन में है, लेकिन ये ऐसे नहीं मूव कर रही, ट्रांसलेशन में नहीं है कि पूरा सिस्टम कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है या लेफ्ट या राइट जा रहा है, नहीं, स्टेशनरी है। और अगर ये पुली खड़ी हुई है, घूमना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं है वाई एक्सिस में। और अगर नहीं है, इसका मतलब ऊपर की फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस। नीचे क्या फोर्सेस लग रही है पुली के, टी एन टी टू टी, ऊपर क्या लग रही है टी वन, क्योंकि पुली ऊपर नीचे नहीं जा रही, तो टी वन इज इक्वल टू टू टी, तो टी वन की वैल्यू क्या आएगी इसमें, टू टी। तो आपने देखा होगा असाइनमेंट के अंदर मैंने ड्रॉ किया था कि टी वन यहां पर मैंने क्या मार्क किया था, टू टी। कई लोग पूछ भी रहे थे यहां टेंशन ट्वाइस कैसे है, तो आज के बाद एक चीज याद रखनी है, या आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, आप उसकी चिंता ना करें, आपसे कोई पूछ नहीं रहा, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि अगर इस पूरे सिस्टम में टेंशन का ये फॉर्मूला है तो बताओ यहां पर टेंशन क्या होगी या यहां पर थ्रस्ट क्या होगा। तो यहां पर थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2t, 2t का मतलब 4 m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, इसे प्लीज फॉर्मूला बुकलेट में फॉर्मूले को नोट करें, 2t थ्रस्ट ऑन दी पुली।